सजनों बल्लूकोट के इतिहास की बात है। राजा गजपत राय नाम का राजा जो दक्षिणी राजस्थान से आया, ऋषि मार्कंडे नाम का एक ऋषि देवी को शक्ति प्रकट होने को जो मंत्र हो वो बतायो गजपत राय जी। मंत्रा का उच्चारण किया, शक्ति की पूजा करी, शक्ति प्रकट हो गई। आबू में ये गजपत राय जी शक्ति की सेवा करे, देवी के बेटा मांग का ही चाहिए, हे देवी मैं अपनो एक राज्य स्थापित करना चाहूंगा। शक्ति हुक्म दे गई और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में राजा ने भेजा। 84 बीघा की भूमि जो वर्तमान में पल्लूकोट शक्ति का भवन बने है, कहो बेटा मेरे नाम को एक छोटो सो भवन बना ले। शक्ति की सेवा कर सजनाऊ आगे राजा राजे की स्थापना करी। 84 बीघा की होयन अवे शक्ति का सिर पर हाथ हा आली कुश्ती नौकर जाकर आकड़ा ठाट बहनता रहा। बिना पाकिस्तान का राजा फूल हर बार गजपत राय पर आक्रमण करे, हर बार हार हुए। बिना लाखा राजा फूल को पुत्र हो लाखा फूलानी जो रंगमेल के पास में टिलो है, अठे अपनी छोटी सी रियासत के साथ राज कर रहे है। अपने बेटे ने राजा फूल पत्र भेज गए और पाकिस्तान बुलाया, राजा लाखा फुलानी पाकिस्तान जा। और पिताजी ने कहो पिताश्री किया याद करियो है, हे बेटा मेरी इच्छा ही कि जो 84 बीघा की ओण है कलूरकोट इंगा इपर अपनो राज हो, इनमें इपर मैं जीत करूं, पर मैं मृत्यु का समय नजदीक आ गया, एक बार भी नहीं जीत पायो। बेटा ये मेरी इच्छा है कि एक बार तेरे कलूरकोट पर राज होना चाहिए। सायरो लाखा फुलानी जो रंगमेल के पास में धोरो है, शंकर भगवान की भक्ति करी, भगवान से वरदान लिया कि एक बार मेरी कलूरकोट पर विजय होनी चाहिए। और शंकर भगवान तथास्तु कह दियो, अरे लाखा फुलानी कलूरकोट पर आक्रमण की तैयारी करे। शक्ति आ गए, राजा कलूर ने आदेश दिया, बेटा अब कल तेरी हार है। शक्ति क्यों है बेटा? शंकर भगवान वरदान दे दियो और शंकर भगवान को वरदान मैं तोड़ नहीं सकूं, तो यहां कर ये राजा छोड़ के निकल जा और एक समय आवे को मैं तन अपने आप ले आऊंगी। अब राजा कलूर तो शक्ति की बात मान के राजधानी छोड़ो और दुर्ग के पीछे के दरवाजे से निकल गया। और चार द्वारपाल हा आर्दुल शार्दुल ने तोर खेत, लाखा फुलानी के आक्रमण पर चारों द्वारपाल शहीद होया। शार्दुल जी महाराज की धड़ पल्लू में गिरे, जो शार्दुल भैरू है, खेत की धड़ जो राव सर में खेतरपाल जी के नाम से दुखे है,
और एक महाजन में नेत भैरू है और एक चुरू जिले में आर्दुल भैरू के नाम से ये पूजनीय हुआ। सजनाऊ जी टाइम राजा कलूर का राजा, अब ये कुछ बात कलूर कोट को नाम पल्लू कोट किया पड़े हो। इनका रजवाड़ा निकलता गया, समय बीतता गया, राजा जुनावर सिंह को राज हो, एक राजा के मंत्री हो मोमगुड़ को, जो दोखो करके राजा ने खत्म करें और रानी कलूर कोट ने छोड़ गए, कावा गजनी अपने पीवर में जावे। ये कुछ पंक्ति गा के सुना दे। ए पहला रे नाम ही हो कोट कलूर हो कावा गजनी में आगी रानी।
राजा बने कावा गजनी में महल चिनाव आ मेरी जोड़ी ये महल ए रानी दुखड़े में दिन बीत्या जगदम्बा भवानी की सजनाऊ राजा गजपत राय ने शक्ति 84 बीघा की वर्ण में गढ़ चिनाया और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। राजा कलूर का राजा गया, राजा गज के राजे ने राजा कलूर अपने नाम पर कलूर कोट नाम दे दिया। राजा बड़ो सत्यवादी हो, राजा गए रूपवंती नाम रानी ही दो लड़का हा राय बोर साहेब, एक मोमगढ़ू को नाम प्रधान हो मंत्री हो, मोमगढ़ू के धोखो करो। एक दिन समय देख छड़कर राजा कलूर ने खत्म कर दियो। सजनों रानी मन में विचार किया, ले भाई अपने पति ने खत्म कर दियो, ने जानिए दिन दो ने लड़का ने खत्म कर दिए, अरे बच्चा है जो छोटा है। एक दिन रात्रि के समय रथ श्रृंगार गए, छोटा मोटा नौकरान सागे ले और अपने पीवर की तरफ कावा गजनी की तरफ जावे, जाके बाबो सा ने बात बताई, बाबो सा मारे पति ने नौकर खत्म कर दियो, मार में भीखो पड़ गयो। राजा एक महल चिना दिया रानी का, पीवर में दिन बीत रहे है। रायब साहेब दोनों बड़ा हुआ तो एक दिन रानी दोना ने कन्ने बिठाए, लो करियो बेटा चारों कुंट में खेलन जाओ, पर आपने दिखन दिशा में नहीं जानो, क्योंकि रानी के मन में आज भी चिंता ही कि जगह मारे पति ने मारे आने जानी है, मारे बच्चा ने मार दिए। रायब साहेब ने कहा बेटा कठी जाओ खेलो घोड़ा का सवार जाओ, पर दिखन दिशा में जानो। क्यों माता क्यों नहीं जानो, दिखन दिशा में आऊ है। अरे बेटा टाबरा ने खा जा। समय बीत तो गयो, एक दिन रायब साहेब दोनों बैठिया। अब रायब हो छोटियो वो मारे लकी अड़ दें थोड़ा उतावड़ो, अरे वो दे बोलियो भाई साहब वो आऊ की शोक है देखा सरी, मारो जी के आऊ गए अड़ू की देखा सरी। रायब कह साहेब ने आऊ देखा चल, अरे मर जाना संसार में रह जानी है गल, और देखा सरी अड़ू कुछ हो गए। दोनों भाई घोड़ा अश्वार हो गए, बनखंड गान जावे जागे एक नौत है सिंह ने मार गए और आगे माता ने बतावे
हरी अपने घोड़ा पर रे जीने मंडाई रे दोना जीने मंडा दी हाँ दोना भया जीना अब साल्या रे साल्या देखो हाउ मारने अड़बड़ तड़बड़ दोना घोड़ा न टोरिया दोना मेरा मितू दे घोड़ा ने आहा रे हाऊ ने मारण दोनू ओ कजली रे बन में एक सिंगड़ो बो सुत्यो सुत्यो रघू बरगो सिंगवठ दोना रे सिंगड़न हेलो अब जागो जागो सिंगड़िया जाया अगड़ो तू कर ले मासा आरे सिंगड़ा झगड़ो हम दोनू भाई ओ दोनू भाई नेड़ा चलिया आवे ओ आगे पुरुष में सिंगड़ो बो चालियो चालियो मेरी जोड़ी है शिंगड़ो अब चालियो रे राय बगैनड़े आवे ओ रा आगे पुरुष मेरे खांडो चलाय छतरी गए लड़के खांडो आहा रे शिंगड़न मार है ए भले गीणी रे शीस ने सोबियो मेरी जोड़ी ये शीश ने आहा चालिया चालिया कावा गजनी आगे माता ने हेलो लगायो दोना भया हेलो माता मेरी हाउ मार आओ आओ माता मेरी आरती उतारो हाँ मेरी मैया आरती हो मैं तो रे शिंगड़न मार गरे झुर झुर रोई हाय रानी झुरे झुरा आहारे क्यों थे बनगो जीव मारो
कचरी ना कई जोर आ जायो मेरा छतरी ना कई जो आहा सूरमा वो नाम अमर छतरी ना कई जो अरे तीनू छतरी कोनी बेटा सूर मांगो नाम अमर ओ जीवन मरा कायर कई जो जीवन रे मारो ओ थारे बाबले ने नौकर मारो अरे लाला नौकर मारो रे अरे बाबो सागो बदलो ले गए आओ अपनी राजधानी कोटकलूर है आ मेरे छोरो कोटर के लाला यठे या पाना नेर में आरायब शायब खंडो उठावे रे अरे बेरी ने मैं मारा रे अपने घोड़ा पर जीन मंडाली न्यारी न्यारी रे छीन आगे रे पोरस मैं घोड़ा ओ काली है कंगाली है देवी अलग खटी बाली आ सेरा वाली है याद है भेद कोनी पाया हाँ हाँ जगदम्बा भवानी की जय हो। राय बशायब दोनों मतों कर गए बन में भीर हो गया आगे सिंह ने सूत्यो देखियो राय दे बोले भाई साहब ओ आऊ आऊ करे जो को मन ही लागियो क्यों सिंह वहां अपना ड्रेक रहे अरे माता यहां सोचियो है कि हमारा बच्चा सिंह की चपेट में आ जा बन में नो हतो सिंह है दोनों भाई जागे लो कर दियो रे सिंगड़ा सूतो कहीं करे झगड़ो कर मारे से अब सिंह रजपूता ने लागे तू करेगी गाड़ तू करो दिया सिंह पुठो बाउड़िया हाथल चलाई है सिंह गर्जना कर दोनों भाइयों पर आयो है रायबल खंडे की धारी जो शीश पे चलावे और सिंह की गर्दन हटा शीश भाले की इनी चोब दोनों भाई घोड़ा का अश्वार हो वापस गांव आ गया आगे लोकियो माँ 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 आरती को थाल ले रहा हो आज थारा बेटा भी आहू न ले गए हे माता जके आहू गोडर बताऊ था भी नाज गिरे लिए रानी मन में सोचो कि न लिए है देखो जरी आगे देखे भाले की इनी सिंह को शीश चोब रखे हुए है अब रानी एक कर तो सिंह ने सिंह को शीश देख के हंसी पचे झुर झुर रोन लग गई हे माता बात की है आप एक बार हंसा हो रोया हो कारण क्या है हे भाई हंसी तो यह हूं कि आज मेरा राइब साहिब का जवान हो गया नो तह सिंह ने खत्म कर दियो और रोई यह हूं बेटा
छतरी का बेटा जीव खत्म करी हुए, जीव ने मारिया कोई सूरमा की जो, तो माता थे के वो नहीं हाऊ बेटा वो हाऊ को नहीं है, तो छतरी कुहाणो है तो थारे जो बाप को है वो बदलो ले रहा हो। माँ आज तई बात को भेद ही नहीं दियो, मैं कौन हा अठे का ही आयडा यार, मारा बाबो सा कठे है। हे बेटा आपनो राज्य जो कोट कलूर है आपा अठे कावा के जनी थार नानी रे मायडा, थार बाबो सा ने एक मंत्री मोमगुड़ू के खत्म कर दियो और कोट को राजा बन के बैठ गयो। राय साहेब खांडा ले गए, माँ के दोनों पगे ला गया, माता दे दे तेरे मुखड़े की आशीष, सुर झुकियो पहला बाबल को बदलो। दोनों भाई ले गए आशीषा, घोड़ा अश्वार हुए, दड़बड़ दड़बड़ भी रोया कलूर कोट का नहीं। रस्ते में एक ऋषि ने सेवा करता देखा, ऋषि ने शीश निवायो, दोनों भाई नाक निवण कर बैठ गया। जोगी प्रसन्न हो गया, रे बेटा बड़ा संस्कारी हो, के नाम है बाबा? मेरो नाम राहिब है, दूसरो भाई है जो साहिब है। जोगी कोई वरदान दियो। जोगी सब बात समझ गया कि सूरा है, कोई झगड़े गिल के जा रहे है। आपका हाथ को मुंदड़ो दे दियो, कहो बेटा रण में थारी जीत हुए ली, और फिर भी अगर कोई दोना भाया मुकिंग कोई चोट लाग जा, अगर कोई मौत का घाट उतर जा तो बिंग ऊपर कर, तो मुंदड़ो मार दियो वापस सरजी भी तुझे को मेरा वरदान है, जाओ रण में थारी जय जयकार हुए ली। दोनों भाई कोट कलूर आ गया है, कोट कलूर के बारे छड़ा गए और डेरा दे दिया, और एक दूत का हाथ कागज भेज दियो कि मोम गुड़ुकन के दियो होशियार हो जा, कोट का धनी आ गया है। अब सजनों कायर हुए, बिना घना पक्को नहीं हो गए, बिंग तो धोखो करके राज लेडो, झगड़ो करने की क्षमता नहीं है, काचो सूत मुंह में तिनकल ले पगाओ भाणो आ गयो है, और कपट करने की सोच ली। हाथ जोड़िया के भाई मेरा राज्य कमजोर हो गयो, काल पड़ गयो, और बहुत सा सैनिक है जो खत्म हो गया, हमारी झगड़ो करने की क्षमता नहीं है, और मैं आपके करवर्त प्रार्थना करूं, मेरे कहना मानो, और हमारी मेरे चार बेटा है एक बेटी है, बेटी को नाम पल है, थारू एक भाई ने हमारी लड़की पर ना दूंगा, ओते थारू राज्य संभाल लियो, मन खत्म मत करो। सजनों साहिब मोम गुड़ुके की बात ने स्वीकार कर ली। राय बकियो भाई साहब आप बात ठीक नहीं है, दुश्मन का सागर संधि करनो तो दूसरी मौत ही है। नारे भाई पगा पड़ गयो आगे मारनो ठीक नहीं है, भाई साहब मारो कहो मानो आप गाँव जा सका पर ये शादी स्वीकार मत करो। सजनो साहेब भाई की बात ने टाल दी और पल से शादी रचा ली है, और कोट कलूर को राजा राजा साहिब ने स्वीकार कर दियो। राय भो मेरी बातड़ी जची नहीं, आपकी भावज ने पल ने कहो भावज मैं वापस मारी नगरी जाऊं, अगर कोई किसी मारे भाई के कुछ भी हो जा तो मन संदेश भेजनो है, इलाज हो गया